हम यहाँ पर नए नए मूव हुए थे तो आई रिमेम्बर कि हमारा ग्रोसरी का बिल जो होता था वो Hi guys! तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे अपना वीकली और मंथली ग्रोसरी एक्सपेंस, जिससे कि आपको एक आइडिया हो सके कि अगर आप यहाँ पर मूव होते हैं तो आपका मंथली ग्रोसरी पर कितना खर्चा होगा। और साथ ही में इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप यहाँ पे एक न्यू इमिग्रेंट है या फिर आपकी सैलरी बहुत ही कम है तो उस सिनेरियो में आपके मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस कितने होंगे, क्योंकि हम जब यहाँ पे नए नए मूव हुए थे उस टाइम पे जो हमारा मंथली ग्रोसरी बिल था और आज की ग्रोसरी बिल में जमीन आसमान का फर्क है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। तो ग्रोसरी का बिल बहुत ही सब्जेक्टिव है, क्योंकि हर आदमी के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रोसरी का बिल होगा, क्योंकि वो काफी सारे क्राइटेरियाज पर डिपेंड करता है। और क्या है वो क्राइटेरियाज, आइए डिस्कस करते हैं। पहला फैक्टर है कि आप कौन से एमिरेट में रहते हैं, यानी कौन से सिटी में रहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम अबू धाबी में रहते हैं और अबू धाबी यूएई की कैपिटल है, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिटी है कंपेयर टू अदर सिटीज। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली हर चीज़ के प्राइसेस थोड़े ज़्यादा महंगे हैं बाकी जगहों से। तो अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपका ग्रोसरी का बिल यहाँ से कम आएगा, अगर आप शारजा में रहते हैं तो और भी ज़्यादा कम आएगा, बिकॉज उन सिटीज़ में कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली अबू धाबी से सस्ता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफस्टाइल, क्योंकि हमारे हिसाब से लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे आपका टोटल ग्रोसरी का बिल डिपेंड करता है। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री केयरलेस लाइफस्टाइल जीते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैकेज आइटम्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि फ्रोजन आइटम्स, रेडी टू ईट मील्स, मैगी, कैंड फूड और नमकीन, बिस्किट, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें, तो आपका ग्रोसरी का बिल बहुत ही डिफरेंट आएगा, शायद कम आएगा। हाँ, अगर आप ये सब उटपटांग चीज़ें खा के अपना पेट भर लेते हैं, अपना गुजारा कर लेते हैं, तो आपका बिल हो सकता है कि कम आए, क्योंकि हम ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ग्रोसरी का बिल बहुत ही डिफरेंट आता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अगर आप एक वेजिटेरियन पर्सन है या एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो आपका ग्रोसरी का बिल बहुत ही डिफरेंट आएगा, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम ऑब्वियसली बहुत ही महंगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मटन 40-45 दिरहम केजी मिलता है और एक सालमन फिश आपकी 80-100 दिरहम पर केजी मिलती है। तो अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो आपका ग्रोसरी का बिल ऑब्वियसली महंगा होगा, और अगर आप एक वेजिटेरियन पर्सन है तो आपका ग्रोसरी का बिल काफ़ी सस्ता होगा, क्योंकि हम एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बिल कितना आएगा, क्योंकि हम नॉन वेज आइटम्स खरीदते हैं ऑब्वियसली अपने मंथली ग्रोसरी में। तो और अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आपका हमारे बिल से तो डेफिनेटली कम ही आएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं अपने इस हफ्ते के ग्रोसरी और उनके प्राइसेस, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि हर चीज़ का प्राइस यहाँ पर कितना होता है। और ये प्राइसेस पर केजी के नहीं है, बट जितनी क्वांटिटी हमने ली है दो लोगों की उनके प्राइस है। और गाइस, यहाँ पर रहने का एक और सबसे अच्छा फायदा ये है कि यू गेट द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप जहाँ का जो बेस्ट है वो खरीद सकते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कि हम हनी लेते हैं स्विट्जरलैंड का, और फेटा चीज ग्रीक की, ऑलिव स्पेन के, और सीजनल फ्रूट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आते हैं, चेरीज, बेरीज, एप्पल्स, एवोकाडोस। तो आप ये सारी चीजें खाते रहते हैं पूरे साल, जिसमें बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसके अलावा एक और अच्छी बात ये है कि जैसे इंडिया में कभी कभार कुछ चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, जैसे आपका प्याज, टमाटर, तेल, तो उससे नॉर्मल जनता की जो बजट होता है उस पर इम्पैक्ट करता है और लोग वो चीजें खरीद नहीं पाते हैं। बट उस सिनेरियो में यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ें हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और हम वो चीज़ें कंज्यूम करते हैं। इस केस में हमारे ग्रोसरी के बजट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और हम अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करते हैं, और हम सारी चीज़ें फ्रेश लेते हैं एक्सेप्ट दूध, क्योंकि दूध हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं और सिर्फ इमरजेंसी के लिए घर में रखते हैं, कभी कभार अगर चाय बनानी हुई कोई आ गया, इसलिए हम लॉन्ग लाइफ वाला दूध लेते हैं, वरना तो हम सारी चीज़ें फ्रेश लेते हैं, यहाँ तक कि कॉफ़ी भी। और गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी वीकली ग्रोसरी में सिर्फ एक ही अनहेल्दी आइटम था, वो भी ये, क्योंकि हम पिकनिक पर जा रहे हैं इसलिए हमने ये लिया, वरना अदरवाइज हम ये सब चीज़ें बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करते हैं। और इस कर में भी हम चाहते तो हम पैकेट वाला ले सकते थे, बट क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं काफ़ी चीज़ें, और ये वहीं पर ही बनता है फ्रेशली एवरीडे, तो हमने ये फ्रेशली कुक्ड वाला लिया है। और हम चाहते हैं, हम मैक्सिमम अवॉइड करते हैं पैकेज्ड आइटम्स और ज़्यादा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं जितना हो सके, तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रेफर करते हैं। तो इसलिए आपने देखा कि हमने जितना भी सामान लिया है वो सब फ्रेशली प्रोड्यूस था,
और इसलिए हमारा ग्रोसरी का बिल थोड़ा ज़्यादा आया क्योंकि फ्रेशली प्रोड्यूस्ड आइटम्स कंपेरेटिवली थोड़े महंगे होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाएं तो अगर आप किसी भी सुपरमार्केट से कोई नॉर्मल बिस्किट का पैकेट लेंगे, गुड डे, ब्रिटानिया, 50-50 जो भी बिस्किट्स होते हैं, तो वो आपको 2-3-4 ग्राम का पैकेट मिल जाएगा बिस्किट का। बट अगर आप किसी बेकरी से लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिए हैं, तो ये हमें पड़ा, इफ यू कैन सी, 22 ग्राम का, विच इज लाइक 10 टाइम्स मोर देन व्हाट यू गेट इन अ सुपरमार्केट नॉर्मल बिस्किट के प्राइस से। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए कि अगर आप फ्रेशली बेक्ड, फ्रेशली प्रोड्यूस जो चीज़ें होती हैं वो नॉर्मल जो सुपरमार्केट्स में जो बल्क में कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें इतनी सारी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनसे महंगी होती हैं। तो ये सिर्फ आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने के लिए कि आप जितना हेल्दी खाएंगे और जितना हेल्दी फूड आइटम्स कंज्यूम करेंगे उतना आपका ग्रोसरी का बिल ज़्यादा हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो हमने आपको जो सारा सामान दिखाया ग्रोसरी का वो 2 सुपरमार्केट से था, तो और एक का बिल हमने आपको दिखाया और दूसरे का बिल हमसे गुम हो गया। तो अगर हम दोनों का ग्रोसरी का बिल ऐड करते हैं तो ऑलमोस्ट 200 दिरहम पड़ता है। तो हफ्ते का 200 हुआ तो आपका महीने का ऑलमोस्ट 800 दिरहम का बिल आता है, जो कि हुआ 16,000 रुपये के आसपास। और इसमें हमने आटा, दाल, चावल ये सब आइटम्स नहीं ऐड करें क्योंकि वो आप महीने में एक ही बार लेते हो। ये सिर्फ जो आपके हफ्ते के फल, सब्जियाँ, ये सब जो आइटम्स होते हैं या वो सब हैं। तो अगर आप महीने में एक बार आटा, दाल, चावल और स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें अगर लेते हैं तो आपका 100-200 उसका आ जाएगा महीने में एक बार, वो सारा राशन जो लेंगे आप, तो आपका टोटल पड़ेगा मंथली 1,000 दिरहम दो लोगों का। ये आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ दो लोगों का ही बिल है, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो शायद आपका बिल और भी ज़्यादा होगा। तो गाइज ये तो बात है खाने पीने की चीज़ों की। तो अगर आप इसमें आप बाकी के घर घर के जो खर्चे होते हैं, सामान जो आप मंथली बेसिस पर खरीदते हैं वो भी ऐड कर दें, जैसे कि पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, टॉयलेटरीज और लॉन्ड्री आइटम्स, टॉयलेट क्लीनर्स, डिश लिक्विड वॉश और ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो घर की साफ सफाई में काम आती हैं और आपको खरीदनी पड़ती हैं, तो अगर आप इन सब का भी बिल ऐड कर दें तो आप एडिशनल 300-500 इसमें ऐड कर सकते हैं, तब आपका मंथली एक्सपेंस पड़ेगा 1300-1500 फॉर अ कपल दिरहम, जो कि हुआ इंडिया के 25,000-30,000 रुपए। ऑलराइट गाइस, तो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो है हमारे अभी के ग्रोसरी एक्सपेंसेस जो कि हम इस टाइम पे खर्च करते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे ऑलमोस्ट सेटल हो चुके हैं तो हम खुले हाथ से खर्च करते हैं। बट ऑन द कंट्री, अगर आप नए नए इमिग्रेंट हैं और आप यहाँ पे नया नया एस्टेब्लिश हो रहे हैं तो उस सिनेरियो में आप कम में भी अपना एक्सपेंस चला सकते हैं, या फिर अगर आपकी सैलरी कम है तो जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो जब हम यहाँ पर नए नए मूव हुए थे तो आई रिमेम्बर कि हमारा ग्रोसरी का बिल जो होता था वो 400-500 दिरहम का आता था दो लोगों का, अपना बजट कम से कम रखते थे और काफी हाथ रोक के चलते थे इनिशियली 2-3 महीने, क्योंकि उस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और था यहाँ आने का और हम शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि उस टाइम पर हमारा लाइफ का एक बहुत ही डिफरेंट गोल था उस टाइम पर, जो कि हम आपके साथ एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे जब हम अपनी पूरी दुबई की जर्नी का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे कि हम यहाँ कैसे आए, कब आए, क्यों आए, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि हमारी क्या पूरी स्टोरी थी। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम आपको ये आइडिया देना चाहते हैं कि अगर आपकी सैलरी कम है या आप एक न्यू इमिग्रेंट हैं तो आप 400-500 दिरहम में भी अपनी ग्रोसरी आराम से कर सकते हैं दो लोगों की। और अगर आप हमारी स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू हैवंट येट। Alright guys, तो ये था आज का वीडियो एंड वी होप कि आपको दोनों साइड्स की क्लैरिटी मिल गई होगी इस वीडियो के थ्रू कि एक न्यू इमिग्रेंट और एक सेटल्ड इमिग्रेंट दोनों के ग्रोसरी बिल में कितना डिफरेंस होता है और कितना खर्चा होता है। और ये मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए। और अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।